किसी व्यक्ति ने अगर आपकी पार्टी को गाली दी हो, वही व्यक्ति अगर आपकी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, आप उसकी जय जयकार करते हैं। आप आपस में लड़ते हैं, नेता आपस में नहीं लड़ते। नेता सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के साथ चलने की कोशिश करते हैं। भगवानपुर विधानसभा आपके लिए इम्पोर्टेंट एक खबर है कि भगवानपुर विधानसभा की कांग्रेस विधायक ममता राकेश के पुत्र अभिषेक राकेश एवं पुत्री आयुषी राकेश ने दोनों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। भगवानपुर विधायक ममता राकेश के पुत्र एवं पुत्री अभिषेक राकेश और आयुषी राकेश ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। सोचने वाली बात और आप लोग के लिए एक शानदार खबर यह कि भारतीय जनता पार्टी अब ममता राकेश, जो कि कांग्रेस की विधायक हैं भगवानपुर से, उनके पुत्र और पुत्री दोनों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस पर ममता राकेश जी ने कहा कि वो बड़े हो गए हैं, जाहिर सी बात है वो अपना भला बुरा समझ सकते हैं, मैं कांग्रेस पार्टी की सदस्य थी, हूँ और रहूँगी। जाहिर सी बात है, अगर हम इसके दूसरे पहलू की बात करें तो अगर ममता राकेश भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती हैं तो उनकी सदस्यता विधायक की रद्द हो जाएगी, इस वजह से शायद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की होगी। ये वो विश्लेषण है जो कहीं ना कहीं आप लोग के मन में भी आ रहा होगा। सोचने वाली बात, जब अभिषेक राकेश चुनाव लड़ रहे थे, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, अभी जब चुनाव लड़ रहे थे, जब भी उन्होंने चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी की रीतियां नीतियां और भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में बोलने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का डर और खौफ दिखा करके इन्होंने वोट लेने की कोशिश की। अब सोचिए एक ही दिन में कैसे अंतरात्मा बदल जाएगी, कैसे आप भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा करेंगे। हालांकि अभिषेक राकेश ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मैंने सदस्यता जो ग्रहण की है, इसी को लेकर के मैं आगे चलूंगा और भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है उसका पूरा पालन करूंगा। यह सोचने वाली बात है। कुछ समय से लगातार आप देख रहे होंगे कि बहुत से सदस्य, बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। या तो 2024 आने वाला है, उसके पहले की ये सारी तैयारियां हैं, क्योंकि सदस्यता जो ग्रहण कराई जा रही है वो कहीं ना कहीं, जाहिर सी बात है, एक प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट जी भारतीय जनता पार्टी के, वो हैं, और दूसरी तरफ निशंक जी हैं। निशंक जी हरिद्वार जिले के सांसद हैं। हरिद्वार जिले के जितने भी विरोधी हो सकते हैं वो सभी के सभी निशंक जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी का पटका, जिसको हम बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते चले जा रहे हैं। अब आप सोच करके बताइए कि क्या एक ही घर में जब आप बीजेपी और कांग्रेस के नाम पर एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे से आप लड़ झगड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, एक दूसरे को लेकर के आप लुकता चीनी हर बात को लेकर के, बीजेपी कहती है हमारी एक अलग विचारधारा है, कांग्रेस कहती है हमारी एक अलग विचारधारा है, बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है, कांग्रेस बीजेपी के ऊपर आरोप लगाता है, और जनता इन दोनों के बीच में पिस जाती है। जनता कांग्रेस के व्यक्तियों से झगड़ा कर लेती है, दुश्मनी कर लेती है, कांग्रेस के लोग बीजेपी के लोगों से झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन अंत में ये नेता क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आप जिसके लिए लड़ रहे हैं सोच करके देखिए, क्या वो आपके लिए लड़ रहा है या नहीं लड़ रहा है, सोच करके देखिए। जिसके लिए आप लड़ रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए आप लड़ रहे हैं, जिसके लिए आप गाली गलौज कर रहे हैं, जिसके लिए आप गाली खा रहे हैं, जिसके लिए आप सड़कों पर उतर जा रहे हैं, वो व्यक्ति आपके लिए खड़ा है या नहीं खड़ा है, ये सोचने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि भगवानपुर विधायक के पुत्र पुत्री ने जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है वो एक ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे नेताओं के पास अगर आप जाएंगे तो एक ही घर में एक बीजेपी तो दूसरा कांग्रेस ज्वाइन किया रहता है। जाहिर सी बात है, कई बार आपने सुना होगा कि एक तरफ कभी बीजेपी की सरकार बनती है तो कभी कांग्रेस की सरकार, किसी की भी रहे सत्ता घर में रहेगी। मैं फिर से कह रहा हूं, सरकार किसी की भी बने सत्ता घर में रहेगी। यह महत्वपूर्ण होता है, जो कई बार मैं दर्शकों के बीच आता हूं, लोगों से बातें करता हूं और चर्चा करता हूं कि आप आपस की रंजिश कर लेते हैं पार्टियों के आधार पर, आप आपस में रंजिश कर लेते हैं विचारधाराओं के आधार पर, और जिस नेता को लेकर के, जिस नेता की विचारधारा को लेकर के आप लड़ाई लड़ते हैं, वो नेता की सिर्फ एक ही विचारधारा होती है, सत्ता पे काबिज होना, सत्ता हासिल करना, सत्ता में बने रहना, पावर अपने पास रखे रहना।
ये चीज आपने बहुत सारे विधानसभाओं के चुनाव में अगर हम जिक्र करें या अभी जिला पंचायत का जो चुनाव हुआ इस दौरान तकरीबन बहुत से बसपा और कांग्रेस और बहुत से निर्दलीय लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के पीछे का उद्देश्य कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड को बनाना है। और जाहिर सी बात है, एक स्टेटमेंट और आता है कि कहीं ना कहीं जिसकी सत्ता रहती है, जिसकी सरकार रहती है, उसका प्रभुत्व ज़्यादा रहता है। शायद उसी प्रभुत्व के कारण बहुत से लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अब इसमें दो सवाल आते हैं। पहला सवाल, जिन लोगों ने अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, क्या वो निरंतर भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे? नंबर एक। नंबर दो, कि आपको क्या लगता है कि 2024 के इलेक्शन से पहले या किसी और इलेक्शन में अगर उनको टिकट नहीं मिला, कोई भी राजनीतिक इच्छाएं अगर पूरी नहीं हुई, तो इसकी कोई एश्योरेंस, इसकी कोई गारंटी है कि वो व्यक्ति उस पार्टी में रहेगा या उस पार्टी को छोड़ देगा? आप आपस में लड़ते हैं, नेता आपस में नहीं लड़ते। नेता सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के साथ चलने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस को लेकर के हमेशा इस बात का जिक्र किया जाता है कि दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाएगी और किसी को जेल नहीं भेजेगी, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाएगी, सत्ता में आएगी, किसी को जेल नहीं भेजेगी। इसी को कहते हैं मित्र विपक्ष। विपक्ष ही हमारा मित्र है। भगवानपुर विधानसभा, आपके लिए इंपॉर्टेंट एक खबर है कि भगवानपुर विधानसभा की कांग्रेस विधायक ममता राकेश के पुत्र अभिषेक राकेश एवं पुत्री आयुषी राकेश ने, दोनों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। तीसरा, इसी पहलू में एक सवाल आता है कि अगर नए जितने भी लोग हैं कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, जब टिकट का दौर आता है, उस वक्त क्या पुराने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा जाएगा जो लगातार पार्टी के लिए निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के लिए लगातार सदैव खड़े रहे, बहुत समय से लगातार खड़े रहे, क्या उनको प्रायोरिटी दी जाएगी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान, क्या उनको तवज्जो दी जाएगी? ये वो सवाल हैं जो कहीं ना कहीं पार्टियों को कटघरे में खड़ा करते हैं। जनता पार्टियों के भरोसे एक दूसरे से लड़ती है, लेकिन जनता को भी ये बात समझनी चाहिए कि नेताओं की सिर्फ एक विचारधारा है, सत्ता हासिल करना, और सत्ता हासिल करने के लिए नेता कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में जाएंगे, तो फिर पार्टी की विचारधारा के लिए आप लड़ाई क्यों कर रहे हैं? किसी व्यक्ति ने अगर आपकी पार्टी को गाली दी हो, वही व्यक्ति अगर आपकी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, आप उसकी जय जयकार करते हैं। सोच करके देखिए कि आपकी खुद की अंतरात्मा आपको कैसे अलाउ करती है, कैसे आपको कहती है कि आप उसकी जय जयकार करो, जबकि आपकी आपको उस व्यक्ति ने सिर्फ पार्टी में अलग होने के कारण आपको गाली दिया, आपको बुरा शब्द कहा था, आपको अपशब्द कहे थे। इसलिए ये बात मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपसी रंजिश कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ पार्टियों के आधार पर, और नेता पार्टी नहीं देखते, नेता सत्ता देखते हैं। इस विषय को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।